हाय एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि माइक्रोबियल हाइजैकिंग दैट कैन टर्न द प्लांट्स इनटू ज़ॉम्बी प्लांट्स। एक्चुअली होता है कि पैरासिटिक बैक्टीरिया जैसे कि फाइटोप्लाज्मा जब वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव फिनोटिपिक चेंजेस आते हैं, उसका आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है, जैसे कि फ्लावर जो वो लीव शूट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेटल्स ग्रीन हो जाएंगी और मास ऑफ शूट जो है वो डेवलप हो जाएगा जिसको बिचेस ब्रूम कहते हैं, और प्लांट जो वो ज़ॉम्बी की तरह दिखता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक्चुअली इनका एक मॉलिक्यूल होता है बैक्टीरियल मॉलिक्यूल जिससे कि प्लांट की डेवलपमेंट को हाईजैक कर लेते हैं। और ये बैक्टीरियल मॉलिक्यूल या बैक्टीरियल प्रोटीन कौन सा होता है, SAP05। ये क्या करता है, डायरेक्टली बाइंड कर जाता है जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं जैसे कि SPL और GAT प्रोटीन। तो इनके साथ ये बैक्टीरियल मॉलिक्यूल डायरेक्टली बाइंड कर जाएगा और उसको ब्रेक डाउन कर देगा जिससे क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो वो हैम्पर हो जाती है और प्लांट में एक्सटेंसिव चेंज जाते हैं जिससे कि वो ज़ॉम्बी की तरह दिखते हैं। तो इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।